We are discussing nutrition in animals, chapter 2, class 7. In my previous session, that is part 3, I was discussing the digestion of food in the digestive system of human being, and we have completed the process of nutrition in human body. So in this session, we'll discuss the process of digestion in other animals. So we'll start it with digestion in grass-eating animals. The grass eating animals like cattle, goat, your rabbit, okay, they are all called ruminants. Okay, so their digestive system is a bit different from our digestive system. So what are the different parts of their digestive system? What is the special part? They have the digestive system similar to the human digestive system, but a special part is there which is not present in our digestive system. That part is called rumen. Okay, so ये rumen एक sac like structure होता है जो कि food pipe और small intestine के बीच होता है, ठीक है? और ये सिर्फ grass eating animals like cows and buffaloes में होते हैं. और ये रूमेन का काम क्या है हम पढ़ेंगे, स्पेशली रूमेन का ही काम पढ़ेंगे यहाँ पर, क्योंकि उनका फूड हैबिट टोटली अलग होता है. वो सिर्फ ग्रास खाते हैं जिसमें कि काफी सारे सेल्यूलोज होते हैं, ठीक है? सेल्यूलोज हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आपका काउज एंड बफलोज दे कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. ग्रास इटिंग एनिमल्स कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोज. तो उसके हिसाब से उनका डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है. तो सबसे पहले क्या होता है, एनिमल हम क्या करते हैं, जब कोई खाना खाते हैं तो उसको च्यू करते हैं फिर शैलो करते हैं. लेकिन ये एनिमल क्या करते हैं, कोई भी चीज़ को या किसी पत्ते को या ग्रास को खाते हैं तो उसको बिना च्यू किए उसको पहले शैलो कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आपका सालाइवा के साथ मिक्स तो होता है थोड़ा बहुत, तो उसमें पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है फूड. और वो फूड जो च्यू नहीं किया हुआ है वो फूड जाकर हमारे स्टोमा का एक चौथा हिस्सा होता है. हमारे एक्चुअली ह्यूमन बॉडी में जो स्टोमक होता है उसमें तीन हिस्से होते हैं, तो वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे. लेकिन ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनमें एक चौथा हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है रूमेन. तो ये जो आपका पार्शियली डाइजेस्टेड फूड अनच्यूड फूड है वो जाकर रूमेन में स्टोर हो जाता है, ठीक है? और इस फूड को जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड रूमेन में होता है उसको कहा जाता है कड, CUD, कट. ओके, नाउ अभी क्या करते हैं ये जो एनिमल्स, रूमिनेशन करते हैं, इसीलिए उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है, ठीक है? रूमिनेशन क्या होता है, तो जब वो रेस्ट लेते हैं, अभी खाना को उन्होंने सेलो कर लिया, पार्टली डाइजेस्टेड फूड अभी उनका रूमेन में है, अभी जब ये एनिमल्स रेस्ट करते हैं तब क्या करते हैं, कर्ड्स को, कर्ड यानी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड जो कि रूमेन में था उसको वापस अपने माउथ में लाते हैं और उसको च्यू करते हैं. दिस इज कॉल्ड रूमिनेशन. सो सिंस दीज एनिमल्स आर रूमिनेटिंग इसीलिए उनको कहा जाता है रूमिनेंट्स. ओके, तो रूमिनेंट्स किसको कहा जाता है, रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स दैट सेलो देयर फूड एट फर्स्ट एंड देन च्यू इट लेटर ऑन आर कॉल्ड रूमिनेंट्स. ओके, the as I said you that grass eating animals can digest cellulose but other animals cannot because they have a different type of bacteria present in the stomach that helps in the digesting the cellulose. Hamare body mein wo bacteria nahi hota ya kisi dusre animal mein nahi hota, sirf jo grass eating animal hote hain us animal ke digestive system mein ek special type of bacteria hota hai jo ki cellulose ko डाइजेस्ट कर सकता है. ये आपका अक्सर, ये भी क्वेश्चन भी आपका अक्सर ओलंपियाड्स में आता है और आपके क्वेश्चन में भी स्कूल में जो टेस्ट होता है उसमें भी आता है कि व्हाई ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डाइजेस्ट द सेल्यूलोस वेयर एज द काउ एंड बुफालोस कैन डाइजेस्ट द सेल्यूलोस. ओके, नाउ यू सी द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ काउ. सी, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से जैसे हम लोग का शुरू होता है उसका भी शुरू होता है, फिर फूड पाइप ओसोफेगस लिखा गया है यहाँ पर, उसके बाद आप देखिए एक चैम्बर है उसका एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको कहा जाता है रूमेन, यहाँ पर लेबल किया हुआ है आप देख सकते हैं.
तो आप काउ जो फूड खाता है बिना च्यू किए हुए सैलो कर लेता है, वो फूड जाकर रूमेन में स्टोर होता है। फिर जब ये रेस्ट लेता है तब रूमेन से वापस फूड को लाता है मुंह में अपना और फिर उसको च्यू करता है। अभी हम पढ़ेंगे सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में डाइजेशन और फीडिंग एंड फीडिंग कैसे होता है। अमीबा सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है। इसका बॉडी एक ही सेल से बना हुआ होता है। तो इसके बॉडी में होता क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, एक साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस। ठीक है, तो मैं आपको डायग्राम दिखा दे रही हूँ थोड़ी देर में। तो अमीबा का एक स्पेशल फीचर होता है कि ये अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है। तो जब ये अमीबा किसी फूड पार्टिकल के पास आता है तो इसका बॉडी से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रोड्यूस होते हैं, फिंगर लाइक आउटग्रोथ डेवलप होते हैं, जिसको कहा जाता है शुरोपोडिया। यहाँ पर ब्लैक लेटर में ब्लॉक किया हुआ है शुरोपोडिया, स्पेलिंग का आप ध्यान दीजिएगा। तो सुडोपोडिया के द्वारा ये फूड को कैप्चर करते हैं, फिर फूड को कैप्चर करने के बाद उसको स्टोर करते हैं एक फूड वैक्यूल में। आई विल शो यू द डायग्राम। फूड वैक्यूल में उसको स्टोर करते हैं। उसके बाद जब ये फूड वैक्यूल में फूड होता है तब ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं वैक्यूल के अंदर और फूड को डाइजेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और ये फूड वैक्यूल उसके बॉडी के अंदर घूमता रहता है, और जब ये घूमता रहता है तब फूड फूड वैक्यूल से डाइजेस्टेड फूड निकलकर पूरा बॉडी में अब्जर्व हो जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अमीबा जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है वो फूड वैक्यूल फिर बॉडी का सरफेस में चला जाता है, फिर वहां से आपका जो अमीबा का जो वेस्ट मटेरियल था वो रिलीज हो जाता है। मैं आपको अभी डायग्राम दिखाती हूँ, आप देखिए ये किस तरह होता है डाइजेशन एंड फीडिंग इन अमीबा। आप देखिए पहले फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए कि अमीबा एक है, वहाँ पर एक फूड पार्टिकल है लेवल किया हुआ है ब्लू कलर का। तो आप देखो धीरे धीरे सेकेंड डायग्राम में आप देख सकते हो कि किस तरह इंजेशन हो रहा है, मतलब किस तरह वो फूड को कैप्चर कर रहा है। आप देखो दोनों तरफ फूड के दोनों तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए हैं, धीरे धीरे वो प्रोजेक्शन बढ़ रहे हैं। अभी तीसरे डायग्राम में आप देख सकते हो दोनों फिंगर लाइक प्रोजेक्शन एक दूसरे को टच कर चुके हैं। अभी फूड एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर है, उसको कहा जाता है फूड वैक्यूल। अभी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन शुरू हो जाता है। अभी फूड वैक्यूल के अंदर डाइजेशन होने के साथ साथ वो जो डाइजेस्टेड फूड होता है, डाइजेस्टेड फूड भी आपका एब्जॉर्ब हो जाता है। फिर एब्जॉर्प्शन के साथ साथ एसिमिलेशन हो जाता है, और जितना अनडाइजेस्टेड फूड बचता है वो फिर सरफेस से फूड वैक्यूल ब्रस्ट हो जाता है और निकल जाता है। तो ये सारे जो 5 स्टेप है न्यूट्रिशन का वो मैंने दिखाया है इस डायग्राम से। आप अच्छी तरह समझ सकते हो किस तरह ये कैप्चर कर रहा है फूड को ड्यूरिंग इंजेशन। उसके बाद डाइजेशन फूड वैक्यूल के अंदर होता है, एब्जॉर्प्शन भी फूड वैक्यूल से होता है। आप देखो फूड वैक्यूल के चारों तरफ कुछ पोर्शन को हाईलाइट कर दिया, मतलब फूड आपका एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर एसिमिलेशन हो रहा है, फिर इजेशन मतलब निकल जा रहा है आपका अनडाइजेस्टेड फूड इससे बाहर। तो इसी के साथ आपका जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर का जो डिफरेंट एनिमल्स में डाइजेशन होता है उसको हमने समझाया डायग्राम के साथ। तो आपको मैंने बताया कि अमीबा में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये एक सेल होता है और इसका शेप हमेशा चेंज होता रहता है। तो ये आप डायग्राम से समझ सकते हो। आप देखो अमीबा किस तरह शेप है, देखो इससे पहले मैंने दिखाया था कुछ शेप, देखिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। पहला पिक्चर में कुछ शेप था, सेकंड पिक्चर में कुछ दूसरा शेप, तीसरा पिक्चर में कुछ अलग सा शेप। तो ये शेप हमेशा चेंज करता रहता है, और इसमें उसके चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आप सबसे ऊपर जो है न्यूक्लियस करके एक लेबलिंग दिया हुआ है, दैट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन के बीच, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच जो पार्ट है उसको कहा जाता है साइटोप्लाज्म। तो ये दूसरे तरीके से दिखाया गया है आपका किस तरह आपका फूड दैट इज फीडिंग एंड डाइजेशन होता है। आप नीचे से देखिए, कॉर्नर से देखिए, इजेस्टेड आपका इजेशन हो रहा है इधर से। आप एंटीरियर पार्ट से देखिए फूड पार्टिकल को कैसे
उसने कैप्चर किया, फिर आपका फूड वैक्यूल बना, फूड वैक्यूल भी साइटोप्लाज्म में मूव करता गया, मूव करने के टाइम उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ एंड अल्टीमेटली इजेस्टेड द वेस्ट। नीचे आप देख सकते हैं कि किस तरह आपका जो अमीबा का वेस्ट रिलीज हो रहा है। सो ये रहा आपका डाइजेस्टिव, हाउ द डाइजेशन टेक्स प्लेस इन अमीबा। तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आपको कहीं भी अगर डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं बीच बीच में कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, किसी का भी डाउट है तो उसको मैं ज़रूर क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, धन्यवाद।